हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को ये डर सताता रहता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो इस तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो जाएंगे कि जैसे वो दूसरे लोगों को देखते हैं उनकी स्थिति कहीं वैसी तो नहीं हो जाएगी। हर वक्त एक डर सताता रहता है कि वो पागल तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर आपको ये डर सताता है या आपके फैमिली में किसी को ये डर सताता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, या आपका पूरा डर गायब हो जाएगा, पूरी तरह से आप इस डर से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग 20 और 21 फरवरी 2021 को दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फोबिया, पैनिक, जो ओसीडी, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, जितनी भी मानसिक जो समस्याएँ होती हैं, अरे सर मानसिक समस्याएं तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी मानसिक जो समस्याएं होती है, हमें मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान करती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे तो हर हमेशा ये डर लगता रहता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या सच में ऐसा है क्या इसमें। तो दोस्तों, इसी चीज का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। जितनी भी मानसिक समस्याएं, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स दोस्तों दो प्रकार की है जी। जैसे आदमी और औरत दो है, उसी तरह से मानसिक समस्याएं भी दो प्रकार की है। एक तो है न्यूरोसिस और दूसरा है साइकोसिस। सर ये क्या होता है न्यूरोसिस? डॉक्टर साहब हमें तो नहीं पता कि ये न्यूरोसिस क्या होता है, ये साइकोसिस क्या होता है। दोस्तों, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स दो ही हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो है न्यूरोसिस की प्रॉब्लम्स और एक है साइकोसिस की प्रॉब्लम। जो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम्स है, वो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम्स 80-90% जितनी भी समस्याएं होती है ना, 80-90% जितनी भी समस्याएं होती है वो कौन सी होती है? न्यूरोसिस वाली होती है। और 10-20% बहुत कम, 10-20% जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सी होती है? साइकोसिस वाली प्रॉब्लम्स होती है। अब ये क्या होता है न्यूरोसिस, क्या होता है साइकोसिस? दोस्तों, जो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है उसके अंदर जो पर्सन बीमार होता है उसको पता होता है कि वो बीमार है। जो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है उसमें व्यक्ति को खुद को पता होता है कि वो बीमार है, उसे इलाज की आवश्यकता है। इस चीज को इनसाइट बोलते हैं। जो न्यूरोसिस की जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर इनसाइट होती है। अब ये इनसाइट क्या वर्ड है? उनके अंदर क्या होती है? इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या है कि उन्हें पता है कि वो बीमार है, किस वजह से बीमार हुए हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है। जो न्यूरोसिस वाले हैं उन्हें पता है कि वो बीमार है, किस वजह से बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। जो न्यूरोसिस वाले हैं उनको हमेशा ये पता होता है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और वो प्रॉब्लम जो है उसकी वजह क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इस कारण जो न्यूरोसिस वाले हैं वो हर वक्त इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, इंटरनेट पर चेक करते रहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। वो इसके इलाज के लिए हमेशा सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं कि कहीं कोई उनको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, इलाज का तरीका मिल जाए जिससे वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो साइकोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पर तो इनसाइट प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट होती है। इनसाइट एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को एक तो बीमार नहीं मानते, इनको लगता ही नहीं है कि वो बीमार है, कि इनको कोई प्रॉब्लम है। जो साइकोसिस वाले हैं इनको नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम है,
या प्रॉब्लम किसी वजह से है, प्रॉब्लम की जो वजह है वो भी इनको नहीं पता, और ये इस चीज के लिए भी रेडी नहीं होते तो कि इनको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी भी प्रकार के मतलब जो साइकोसिस है, साइकोसिस के अंदर ये क्राइटेरिया होता है कि ये एक तो अपने आप को बीमार नहीं मानते, इनको लगता ही नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम भी है क्या, इनको लगता है सब कुछ नॉर्मल है ना, और इनको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, और ना ही ये ट्रीटमेंट के लिए कोई सर्च करते हैं, ना ही ये इंटरनेट पर देखते हैं, ना ही ये यूट्यूब पर देखते हैं, ना ये किसी और सोशल मीडिया साइट के ऊपर देखते हैं कि भाई इनको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता है। लेकिन न्यूरोसिस वाले जो है वो हर वक्त सर्च करते रहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और ये किसी साइकेट्रिक पेशेंट को देखते हैं तो इनके मन में भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि यार उनको प्रॉब्लम है कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी, उनको कोई दिक्कत है कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो न्यूरोसिस वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, ये न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी एक प्रकार की न्यूरोसिस है, जो ओसीडी है वो भी न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है, जो ओवरथिंकिंग है ये भी एक प्रकार की न्यूरोसिस है, जो फियर है, जो डर की समस्या है, जो आपको डर लगता रहता है। अब डर कितने सारे डर है, किसी को बीमारी का डर लगता है, किसी को हार्ट अटैक का डर लगता है, किसी को ये पागल होने का ही डर लगता है कि मुझे कोई मानसिक रोग ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाऊंगा, मुझे ख्याल ही नहीं रहेगा कि मैंने कपड़े पहने या नहीं पहने, मैं ऐसे ही सोसाइटी के अंदर घूमता रहूंगा। तो ये जो डर है, किसी को हाइट से डर लग रहा है, किसी को ट्रैवलिंग से डर लग रहा है, किसी को पानी से डर लग रहा है, किसी को सोशल एंजाइटी है, लोगों से बात करने में डर लग रहा है, किसी को स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, किसी को हॉस्पिटल में जाने से डर लग रहा है, ये जितने भी डर है, ये डर जो है ये क्या है, हमारी न्यूरोसिस की प्रॉब्लम। जितने भी फियर है, डिप्रेशन है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये किस कौन सी वाली है, ये हमारी न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम्स है। और दूसरी तरफ आता है साइकोसिस, में साइकोसिस में जैसे आपके स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये जो है, जो साइकोसिस है, जो बाइपोलर है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये कौन सी है, हमारी साइकोसिस वाली। साइकोसिस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम है, न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। अब जब तक आपको ये डर लग रहा है ना कि मुझे कहीं पागलपन तो नहीं हो जाएगा, साइकोसिस जो है ना, साइकोसिस वाले को भी सारी जो साइकोसिस की प्रॉब्लम्स है वो पागलपन का हिस्सा नहीं है। इस चीज को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें भी ये भी कोई 100 केस जो होते हैं, इसमें भी जो 10-20% है, इसका भी कोई 1-5% हिस्सा जो क्रॉनिक केसेस में चला जाता है, जो साइकोसिस का जो 1-5% कोई ऐसा हिस्सा जो क्रॉनिक केस में चला जाता है, जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, वो लोग पागलपन की थोड़ी बहुत श्रेणी में जाते हैं, अन्यथा पागलपन जैसी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। साइकोसिस में भी सारी साइकोसिस नहीं, जो 1-5% जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चली जाती है और उनको किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके साथ ऐसी संभावना होती है, अन्यथा ऐसी कोई संभावना नहीं है। जनरली जो न्यूरोसिस है वो साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होती, सामान्यता जो न्यूरोसिस है वो साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होती। ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल है। और साइकोसिस में भी क्या सारी साइकोसिस, नो, 1-5% जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का इलाज नहीं मिलता, उनमें इस तरह की संभावना हो सकती है, बाकी ऐसी कोई संभावना नहीं होती। जनरली पागलपन जैसी कोई टर्म होती ही नहीं है, ये हम सामान्य भाषा में बोलचाल के लिए यूज करते हैं, पागल है क्या, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो केसेस है वो साइकोसिस में भी रेयर 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 साइड के वाले हैं। जनरली जो प्रॉब्लम है वो सारी क्या है, जो आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो आपके पागलपन में नहीं आती, वो आपके पागलपन में कन्वर्ट भी नहीं होती, ना होने वाली है। जो आपका डिप्रेशन है वो भी इसमें नहीं जाने वाला, जो आपका फियर है, फोबिया है, जो आपकी ओवरथिंकिंग है। दोस्तों अगर आप अपनी प्रॉब्लम के इलाज के लिए कंटिन्यूसली नेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, आप अपने यूट्यूब पर वीडियोज ढूंढ रहे हैं कि कहीं मेरे साथ में ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ये एक प्रकार का डर है। और ये जो डर है ये न्यूरोसिस का पार्ट है, ये साइकोसिस का पार्ट नहीं है। और न्यूरोसिस किसी भी प्रकार से कोई पागलपन नहीं है, ना ही ये किसी भी प्रकार के पागलपन में बदलता है, किसी भी प्रकार के पागलपन में कन्वर्ट होता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ओवरथिंकिंग का शिकार है। ओवरथिंकिंग जो है मतलब एक ही प्रकार के विचार है वो कंटिन्यूसली उनके दिमाग में चलते रहते हैं। ये जो ओवरथिंकिंग है ये भी किसका पार्ट है, न्यूरोसिस का पार्ट है। ये भी आपके
साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होती। जो ओसीडी की प्रॉब्लम है ये भी आपके न्यूरोसिस का पार्ट है, ये भी आपके साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होती। बहुत एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, जब तक आपको अपनी समस्या के बारे में पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, जिसकी वजह से मैं मेरा काम ढंग से नहीं कर पा रहा, मैं मेरी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं मेरी सोशल लाइफ को मैनेज नहीं कर रहा, तो ये आपके अंदर जो इंसाइट है ना, इस इंसाइट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस बोलते हैं। मतलब इसके अंदर पर्सन जो है वो खुद डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इसके अंदर जो पर्सन है वो खुद डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जबकि इसके अंदर घर वाले उसको लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, खुद नहीं जाता, क्योंकि वो खुद को उसको पता ही नहीं है कि भी मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या या मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है क्या। तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करके देखिए, आप खुद अपनी समस्या को एनालाइज करके देखिए कि आप जो है वो किस तरह का आप बिहेवियर शो कर रहे हो, आप न्यूरोसिस के साइड में है या आप साइकोसिस के साइड में है। अगर आपको हर वक्त डर लगता रहता है, डर सताता रहता है, मतलब आप न्यूरोसिस के साइड में है। आप ओवरथिंकिंग की साइड, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, मतलब आप न्यूरोसिस के साइड में है। आप लगातार डिप्रेस्ड रह रहे हैं, आपका मूड खराब सा रह रहा है, मतलब आप न्यूरोसिस की साइड में है। और अगर आपको बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम्स हो रही है, बार बार आप हाथ धो रहे हैं, आप बार बार आपके दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो अपना रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, मतलब आप किस साइड में है, न्यूरोसिस की साइड में है। और न्यूरोसिस की साइड में है मतलब किसी भी प्रकार का कोई पागलपन नहीं है, अपने मन से इस चीज को निकाल दीजिए, और ना ही आप कभी पागलपन की साइड जाने वाले हैं। इस चीज को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई पागलपन है या फिर फ्यूचर में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। तो इस चीज से अपने आप को दूर करें, अपने आप को मस्त करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।